नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से लेकर आ चुका हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स का एक और वीडियो। आज आपके 4 अगस्त और 4 अगस्त की मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे राजस्थान की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। उससे पहले जो कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, पहले उसका जवाब आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो इसका नाम बदल के रख दिया है शिक्षा मंत्रालय। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और आप सभी दोस्तों ने एकदम सही जवाब दिया था। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, कि राज्य का दूसरा प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो साथ ही साथ ये भी बता देना कि राजस्थान राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है, पहला और दूसरा भी बता देना। उसके अलावा भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे देना। ये सभी चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है, इन सभी के जो जवाब है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। चलिए आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन, क्या राजस्थान में ई साहित्य महोत्सव 2020 का जो आयोजन है वो कब से कब तक किया जा रहा है। ठीक है, तो ये किया जा रहा है 1 से लेकर 31 अगस्त तक। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो पिछले 7 वर्षों से साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत कोटा की चैंप रीडर्स एसोसिएशन की पहल पर ई साहित्य महोत्सव 2020 का ऑनलाइन आगाज़ 1 अगस्त को हुआ है और ये कब तक चलेगा, 31 अगस्त तक ये चलने वाला है। महोत्सव का लाइव प्रसारण विभिन्न सोशल माध्यम से किया जाएगा और इस महोत्सव में संपूर्ण भारत के लेखक भाग लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के जैसे मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन रिवाइज करवाऊँगा जो हमने पिछले 1-2 दिन में किए हैं। जैसे कि राजस्थान में बाल श्रम को रोकने के लिए ऑपरेशन आशा द्वितीय कब से कब तक ये चलाया जा रहा है, ये ऑपरेशन 1 से लेकर 31 अगस्त तक। और उसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा अगस्त क्रांति सप्ताह ये कब से कब तक चल रहा है, 9 से 15 अगस्त तक ये चलाया जाएगा। उसके अलावा एक और है, राजस्थान में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका पखवाड़ा या फिर पोषण वाटिका अभियान ये कब से कब तक चलाया जा रहा है, 30 जुलाई से 15 अगस्त तक। तो ये जो क्वेश्चन था हमने पहला वाला करा था उसी के जैसे कुछ क्वेश्चन थे आपके, इसलिए आपको रिवाइज करवा दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सोलर एनर्जी उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आ गया है। तो वो आ गया है दोस्तों राजस्थान। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर ये पहले स्थान पर है तो दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। और तीसरे स्थान पर दोस्तों है यहाँ पे है तमिलनाडु। तो पहले कर्नाटक पहले स्थान पर था लेकिन अब राजस्थान ने उससे पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है और अब कर्नाटक दूसरे स्थान पर चला गया और तीसरे स्थान पर दोस्तों तमिलनाडु है। तो JMK, इसका नाम याद रखना, JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि सोलर एनर्जी उत्पादन के मामले में भारत का राजस्थान राज्य प्रथम स्थान पर आ गया है कर्नाटक को पछाड़ते हुए। और इस वर्ष राजस्थान में 1745 मेगावाट सोलर प्लांट नए जोड़े गए हैं। तो इस क्वेश्चन की इतनी डिटेल थी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोविड-19 के कारण राजस्थान का प्रसिद्ध वीर तेजाजी पशु मेला निरस्त कर दिया गया है, ये कहाँ का प्रसिद्ध मेला है, वो आपको जगह बतानी है। ये दोस्तों परबतसर का है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। परबतसर का है दोस्तों, नागौर के अंदर, जिला भी आपको साथ साथ बता दे रहा हूँ। तो इसी टाइप से मैं आपको दो क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन और कराऊंगा, इस एक क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन बनेंगे। दो यहाँ पे प्रसिद्ध जो मेले हैं वो यहाँ पे निरस्त किए गए हैं, दोनों ही अगस्त के हैं। एक तो आपका ये हो गया वीर तेजाजी पशु मेला, दूसरा है आपका रामदेव जी का मेला, ठीक है, जो कि रामदेवरा में लगता है। ये ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो भी यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, जो कि लगता है जैसलमेर में। तो दोनों आपको याद रखना है। बात करें पहले वाले की, परबतसर जो पशु मेला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में आता है। वीर तेजाजी का ये पशु मेला है, परबतसर में लगता है नागौर के अंदर। यह भाद्रपद शुक्ल दशमी को स्टार्ट होता है और पूर्णिमा तक आयोजित होता है, यानी कि जिसे तेजा दशमी भी कहते हैं। और वीर तेजाजी हमारे गौ रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और आप ऐसा कह सकते हो, एक आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि वीर तेजाजी के बारे में और रामदेव जी के बारे में जितने भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट पता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, चाहे एक फैक्ट पता हो वो भी आप लिखिएगा। और दूसरा, हम अगर यहाँ पे बात करें रामदेव जी के बारे में, जो रामदेवरा मेला है जो यहाँ पे निरस्त हुआ है उसके यहाँ पे बात करते हैं, तो विश्व प्रसिद्ध
रामदेवरा में लगने वाला बाबा रामदेव जी का जो मेला है कोरोना के कारण रद्द किया गया है, और ये जैसलमेर में स्थित है। ये कब से कब तक आयोजित किया जाना था? 20 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक ये मेला आयोजित होना था, जो कि अब रद्द हो गया है। ये कब से कब तक लगता है? भाद्रपद माह की जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया है उसको इसका बेसिकली एक मेला लगता है, भव्य मेला लगता है, तो वो यहाँ पे अब निरस्त कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देख लेना। हाल ही में राजस्थान में गुर्जर सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितना प्रतिशत आरक्षण देने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को राज्य कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी मिल गई है? तो कितना प्रतिशत आरक्षण देना है इनको, मंजूरी मिली है जो 5% की। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनकी पहल पर यह यहाँ पे जो मंजूरी है वो यहाँ पे मिली है इनको। तो ज़्यादा और कुछ डिटेल में यहाँ पे नहीं है। तो काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से ये जो अभ्यर्थी है, गुर्जर सहित जो अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी है, वो यहाँ पे इसकी मांग कर रहे थे। पहले ये बेसिकली 1% था, अब इसे बढ़ा के कर दिया है 5%। ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है इससे पहले का पूछे, पहले का 1 और अब का कितना है, 5%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि केंद्र सरकार राजस्थान में कृषि उत्सर्जन कम करने के लिए किस परियोजना को शुरू करेगी? उस परियोजना का नाम है ग्रीन एजी परियोजना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यह परियोजना कृषि क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के मकसद से शुरू की गई है। और ये कहाँ कहाँ पे शुरू की गई है केंद्र सरकार की तरफ से? कुल 5 राज्यों के अंदर ये शुरू की गई है, तो जिसमें से एक राजस्थान भी है। राजस्थान के अलावा और कौन कौन से हैं? मिजोरम है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, नाम बता रहा हूँ सभी के, मिजोरम हो गया, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और उत्तराखंड, ठीक है, ये 4 और है। फिर से नाम बता देता हूँ, रिवाइज कर लेना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड, और उसके अलावा राजस्थान, यानी कि कुल 5 राज्य आपके यहाँ पे हैं। और इस परियोजना को ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा वित्त पोषित किया गया, यानी कि जो वित्तीय सहायता है वो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा दी गई है। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग पर इस परियोजना को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी, यानी कि जो ये जो परियोजना है इसे क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, कौन से विभाग के ऊपर है? कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना को कब से लागू करने की घोषणा की है? 20 अगस्त से। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे एग्रेड हो जाएगा। तो इस योजना के बारे में मैं आपको डिटेल में पहले ही बता चुका हूँ। जो आप हमारे डेली करंट अफेयर देखते हो तो आपको पता होगा, ये जब इसकी बात की गई थी इंदिरा रसोई योजना की लाने की, तो उस टाइम मैंने डिटेल में आपको ये पूरा का पूरा बताया था। अभी से 20 अगस्त से लागू करने की यहाँ पे घोषणा की गई है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में बता देता हूँ। तो हमारे जो CM है अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने एक संकल्प रखा है कि कोई भी भूखा ना सोए, कोई भूखा ना सोए, उस संकल्प के साथ इसको साकार करने के लिए एक नई दिशा दी है और नई दिशा में एक नया कदम बढ़ाया है। इसके अंदर आपको पता ही है, बेसिकली जो ज़रूरतमंद और गरीब लोग होते हैं उनको 8 रुपये में यहाँ पे भोजन मिलता है। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेली की जो हमारी करंट अफेयर्स की PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारे जो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट डिटेल है वो भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, ये मनाया गया 3 अगस्त को। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो विश्व संस्कृत दिवस, और ये बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो हर बार ये 3 अगस्त को नहीं मनाया जाता, ये भी आप याद रखिएगा। विश्व जो संस्कृत दिवस है ये श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, है ना? तो इस बार जो श्रावण माह की पूर्णिमा थी वो कब थी? 3 अगस्त को थी। और इस बार क्या था साथ में? 3 अगस्त को रक्षाबंधन भी था, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और भारत में संस्कृत विश्वविद्यालयों के समूह ने विश्व संस्कृत दिवस को 31 जुलाई से लेकर, इसका ध्यान से सुनना, 31 जुलाई से 6 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह समारोह
के तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। तो अभी जो हमने इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन किए थे ना कि इस दिन से इस दिन तक क्या मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये वाला भी उसमें ऐड कर देना कि 31 जुलाई से 6 अगस्त 2020 तक संस्कृत सप्ताह समारोह के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। तो भारत सरकार ने इस दिवस को मनाने की घोषणा 1969 में की थी। देखिए यहाँ पे हमने दोस्तों बात की है दिवस की, तो अभी तक अगस्त में, हालांकि कमी दिवस हुए लेकिन फिर भी रिवाइज ज़रूर करेंगे, 1 अगस्त को हमने मनाया था मुस्लिम महिला अधिकार दिवस यानी कि मुस्लिम वुमेन राइट्स डे। 1 अगस्त को एक और दिवस आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस यानी कि नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, ये भी मनाया जाता है। 2 अगस्त को एक और दिवस आता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी एक बार देख लीजिए, दादरा एवं नागर हवेली मुक्ति दिवस, ये भी मनाया जाता है दिवस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया, तो किन किन यहाँ पे लोगों को शामिल किया गया, वीरेंद्र सहवाग और सरदार सिंह, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। वीरेंद्र सहवाग आप सभी जानते ही हो, पूर्व क्रिकेटर है भारतीय टीम के, और यहाँ पे अगर सरदार सिंह की बात करूँ तो ये कौन है, ये हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं सरदार सिंह, ये वो है। अब इन दोनों को यहाँ पे इसमें शामिल किया गया है चयन समिति के अंदर, तो 29 अगस्त को, डेट यहाँ पे याद रखना, 29 अगस्त को दिए जाने वाले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए खेल मंत्रालय ने चयन समिति की घोषणा की है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सरदार सिंह को शामिल किया गया है। वहीं अगर इसकी बात करें ये जो समिति है इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो वहीं मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सुप्रीम कोर्ट है उसके सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुकुंदम शर्मा इस समिति के अध्यक्ष होंगे। ये तो इनकी बात हो गई। डी ऑप्शन आपको और दिख रहा है राहुल द्रविड़, इनके संदर्भ में आपको कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज करवाता हूँ। ध्यान से सुनना कि पिछले साल यानी कि 2019 के अंदर नेशनल क्रिकेट अकेडमी NCA के प्रमुख बने थे, और हाल ही में विजडन इंडिया, मैंने आपको क्वेश्चन करवाया भी था कि विजडन इंडिया द्वारा इनको पिछले 50 वर्षों में सबसे बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज के रूप में चुना गया है, या फिर टेस्ट बल्लेबाज इनको माना गया है। उसके अलावा ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बने थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बता दिए इनके बारे में, ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपने खेल एवं युवा मामलों के विभाग का उपनिदेशक किसे नियुक्त किया है, तो ये भी आपका स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों, यानी कि कविता देवी और बबीता फोगाट। कविता देवी कौन है, ये हरियाणा की कबड्डी खिलाड़ी है, और बबीता फोगाट की यहाँ पर बात करें तो आप सभी जानते होंगे हरियाणा की ये पहलवान खिलाड़ी है। इसके अलावा दोस्तों एक डी ऑप्शन और दिख रहा है आपको, सानिया मिर्ज़ा, ठीक है। तो सानिया मिर्ज़ा के बारे में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस प्लेयर ये बनी थी, और ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया भी था। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करूँगा कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, और सभी की जो PDF है फटाफट से टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर लो और वहाँ से ले लो, PDF आपको वहाँ पर अपलोडेड मिल जाएगी, सभी PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। और ये वाला वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।